थोड़ी 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 सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो कि तुम दूसरों की इज्जत को देकर ना अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो। अगर इतना ही है ना, तो तुम अपने किसी फैमिली मेंबर्स के ऊपर करो, तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है, कैसा फील नहीं होता है। सो हे गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा मूड मेरा अप एंड डाउन है, और वो आप लोग को रीजन अभी आप लोगों ने थंबनेल से और टाइटल से आइडिया ले ही लिया होगा। मैंने जितना हो सके, जब से मैंने YouTube शुरू किया है, मार्च जून में शुरू किया है रिएक्शंस देना, तब से मैंने हर कमेंट को, हर एक चीज को ना अवॉइड किया है, डिलीट किया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कुछ लोगों का ना कुछ ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं कुछ नहीं बोलती हूं, तो उनको लगता है कि हाँ भाई आओ और कुछ भी बोलकर चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं पर इंसान की लिमिट भी खत्म होती है। तो जहां पर आप कॉमेंट बॉक्स में जो कचरा आकर बोलते हो, और साइड में जो रहता है ना डस्टबिन, वहीं पर जाता है आप लोगों का कचरा बोला हुआ। और कितने कमेंट्स हैं जो मैंने डिलीट किए हैं, और उसका रीजन ये है कि मुझे कहीं पर भी हेट स्प्रेड नहीं करना है, मुझे नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करनी। लेकिन मैं कितने ही कमेंट्स डिलीट कर दूंगी, राइट? लेकिन उससे ज्यादा मुझे सपोर्टिव और पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, तो उसके लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। एंड मैं जानती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कोई यूट्यूबर हूं नहीं, और मेरे सब्सक्राइबर्स भी इतने कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन जितने भी हैं उसके लिए मैं बहुत 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 थैंक्स बोलती हूँ आप सभी को। आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत सपोर्ट किया है, अब मुझे बताना कि मुझे इस चीज के ऊपर क्या करना चाहिए है। मेन कुछ और बातें जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुई हूँ ज्यादा, अभी जो पहले के जो हैं और अभी भी जो रिसेंटली आते हैं, ठीक है, तो उनको पहले जवाब दे दूं, फिर जो है रीजन उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो पहला कमेंट आप लोग देख लीजिए कि एक्टिंग ना करा करो मैडम जी, तो सर आप मेरी वीडियो ना देखा करो अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शंस जो है ना वो एक्टिंग लगते हैं, ठीक है। सेकंड है, इस पे मत रिएक्शन करा करो जो दूसरों के रिलीजन का मजाक उड़ाता है, तो आप मुझे मेरा काम मत सिखाओ, आप अपने काम से काम रखो। तीसरा है, वैसे ये वाला जो कमेंट है मेरी सिस्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं, लिखा क्या है, ठीक है। एंड ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोगों ने बोला है मुझे जो मैंने डिलीट किए हैं। वैसे आप हो कौन? हाँ जी, ये काफी लोग का क्वेश्चन है। मेरा पूरा नाम है रजविंदर कौर दरबारा सिंह गिल, ठीक है। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर आर्मी मैन है, मैं एक आर्मी मैन की बेटी हूँ, तो सोच सकते हो कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, ठीक है, और कैसी हो सकती हूँ। लाचार वाली फीलिंग आ रही है आपके लिए, अगर फ्यूचर में कभी आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, तो ये लाचार वाली फीलिंग भी आपकी चली जाएगी, ठीक है। आपको एक्चुअली पता चलेगा कि अगर मेरी जब सटकती है तो फिर क्या होता है। आगे लिखा है उन्होंने, कुछ अपना कंटेंट भी क्रिएट करो। ओ माय गॉड, ये ना काफी लोगों ने बोला है कि अपना कंटेंट क्रिएट करो। तो जिनको नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि शायद से रिएक्शन चैनल भी एक कंटेंट ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आई एम श्योर पीपल विल स्टार्टिंग लव योर कॉन्टेंट, मी टू। अच्छा, ये अच्छा तरीका है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में जो है ना बुरा बुरा बोल दो, लास्ट में जो है ना अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल दो, कि मैं तो तुम्हें सपोर्टिव जो है ना भेज रहा था कमेंट से, मैं तो सपोर्ट। तो ये सारे ना गेम ना मेरे साथ में तो बिल्कुल ही मत खेलना, ठीक है। तुम जितने होंगे ना एज के, उससे ज्यादा जो है ना लोगों से मेरी मुलाकातें हो चुकी है। जब मैं 10th में थी ना, तब से मैं काम कर रही हूँ, तो हर मेंटेलिटी के पर्सन को मैं जानती हूँ अच्छे से, तो मेरे साथ तो ये गेम खेलो ही मत, ठीक है। जो भी, और आगे क्या लिखा है, अभी आपके वीडियोस कोई देख रहा है तो समय के लिए, उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो समय के लिए देखे या राउंड टू हेल्प के लिए देखे या किसी भी चीज के लिए देखे। मैं ऑडियंस की जो है ना डिमांड पूरी करती हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बोलो, अदरवाइज यहाँ पर आकर बकबक बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। होपफुली आपके जो है ना डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड ये जो है ना कि रिएक्शंस दूसरों के चैनल, मतलब दूसरों के कंटेंट पे जो है ना रिएक्शन दे देना, ये सारी चीजें करना, पहले आगे का कमेंट देख लेते हैं क्योंकि वो इससे ही रिलेटेड है। मुंह हिलाने को लोग जो है रिएक्शन बोलते हैं, तो सर रिएक्शन कैसे दिया जाता है? मुंह हिलाकर ही अपनी बातें किया जाता है, एक्सप्रेशंस देकर ही अपने जो है ना अपनी बातों को जाहिर किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही रिएक्शंस दिए जाते हैं। और कैसे दिए जाते हैं, आप कैसे रिएक्शन देते हो? आपको जब कुछ बोलना हो तो, या कुछ अपने बारे में बताना हो, तो मुंह हिलाकर ही बोलोगे ना, या मुंह बंद करके करके बोलोगे? कैसे बोलोगे आप ये मुझे बताओ। तो कुछ भी बोलते हो, उससे पहले सेंस रखो कि आप बोलते क्या हो, बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। और ये काफी लोग का कॉमन है, ठीक है, जिन्होंने आकर बोला था मुझे,
तो इतनी ज्यादा आप लोगों को फिक्र है या इतना ज्यादा आप लोगों को पसंद नहीं है और आप लोगों को लगता है कि रिएक्शन चैनल्स बनाना बहुत इजी है, एक बार जरूर क्रिएट करो। मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ और जिस तरीके से मैं कंटिन्यू रखती हूँ ना, इसी तरीके से रखना और बताना मुझे कि डिफिकल्टीज आती हैं या नहीं आती हैं, मेहनत है या नहीं है। थंबनेल मैं खुद से खुद बनाती हूँ, एडिटिंग मैं खुद से खुद करती हूँ, शूट मेरा खुद का खुद रहता है, फेस मैं खुद अपना दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों के जो मिस अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन लाइफ में जरूर बनाना रिएक्शन चैनल्स और पता चलेगा आप लोगों की उसके अंदर कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ये अभी रिसेंटली आया है, राउंड टू हेल के जो मैं सेकंड पार्ट आया है, ठीक है, उसके ऊपर रिएक्शन दिया था। तुझे अगर इतनी सूख आ रही है तो तू वीडियो क्यों बना रही है। ओके आगे का भी पढ़ लेते हैं। सुगेली सबसे बड़ी तू है। अब एक ये ह्यूमन नेचर है कि अगर किसी को किसी ना किसी चीज से फोबिया है, और मुझे जो है ना इन सब चीजों से फोबिया है, ठीक है, मुझसे नहीं ज्यादा देखा जाता, इवन मैं कैटरपिलर भी नहीं देख सकती, मुझे कैटरपिलर से भी जो है ना फोबिया है, मैं एकदम ऐसे हो जाती हूँ, एकदम अगर मेरे हाथ पे भी ना शिवर करके वहीं पर मेरा जो है ना ठंडी पड़ जाती हूँ। ये प्रॉब्लम है और ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं हो सकता किसी की भी लाइफ में कि किसी को किसी चीज से सूग ना हो, ठीक है। और स्माइली तो ऐसे भेजे हैं इन्होंने जैसे बहुत बड़ा जो है ना कद्दू में तीर मार लिया है, बहुत बड़ा इन्होंने अचीवमेंट हासिल कर लिया है ये सब बोलकर। थोड़ा सोचो कि तुमने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्या लाइफ में तुम्हें कभी सूग नहीं आई, तुम्हें अगर किसी चीज से वोमिट हो जाता है किसी को देखकर तो क्या तुम्हें सूग नहीं आई। मैं इस चीज को मान नहीं सकती, कभी किसी इंसान को किसी भी चीज से सूग नहीं आती है, हो ही नहीं सकता, ये ह्यूमन नेचर है। इतना थोड़ा सा जो ना अपने माइंड को खोलो और थोड़ी सी जो ना स्टडीज कर लो, ठीक है। अभी आते हैं ये वाले पॉइंट के ऊपर। ये बंदे का मुझे पहले भी आया है कमेंट, मैं तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया था लेकिन मैंने अवॉइड किया। उस टाइम पे जो है ना मैं मेरी सिस्टर के साथ में शूट करी थी, अनफॉर्चुनेटली जो है वो बिग बॉस के ऊपर था लेकिन वो ब्लॉक करके रखा हुआ है कलर से, तो वो वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई, ठीक है। इसीलिए मैं मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर थी साथ में, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। अब इसका कल मुझे वापस से आया है, थोड़ी सी शर्म है तुम्हें, इतनी सी भी शर्म है कि तुम क्या वीडियो जो है ना लिंक दे रहे हो और क्या मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जो है ना लोगों को बता रहे हो। ये अभी डिलीट है मेरे कमेंट बॉक्स में से, लेकिन थोड़ी 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 सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो कि तुम दूसरों की इज्जत को देकर ना अपने चैनल को ग्रो कर रहे हो। अगर इतना ही है ना तो तुम अपने किसी फैमिली मेंबर्स के ऊपर करो तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसा फील होता है कैसा फील नहीं होता है। भले ही अंजलि के साथ में कुछ हुआ है नहीं हुआ है हमें रियलिटी नहीं पता है, उर्फी जावेद का जो भी है वो उसका लुकआउट है, लोग रोस्ट करते हैं हम भी रोस्ट देखते हैं, वो सिर्फ एंजॉयमेंट तक ही रहता है। लेकिन ये जो चीजें हैं तुम एक टाइप से जो है ना एक चीजें जो है ना गलत प्रमोट कर रहे हो। मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती हूँ और ना मैं तुम्हारे लिए कोई वर्ड बुरा बोलना चाहती हूँ। अभी जब मैंने इसके चैनल को विजिट किया तो नियर बाय 72 जो है ना इसका सब्सक्राइबर्स थे, और जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करता तो आकर मैं यहाँ पर जो है ना बकबक करना शुरू कर देता है, यहाँ पर आकर जो है ना चैनल का लिंक दे देता है। यहाँ पर मैं चैनल का लिंक मैं उन लोगों को बोलती हूँ देने के लिए या उन लोगों की रिक्वेस्ट बोलती हूँ जो मुझे देखना चाहते हैं, उनके रिएक्शंस उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये तुम क्या, इसकी एज भी इतनी छोटी है ना ये बंदे की, एक थप्पड़ का नहीं है ये इंसान। ये बंदा किसी दिन मेरे सामने आ जाए तो पता चल जाए कि इसको क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरों की इज्जत के ऊपर, किसी लड़की की इज्जत के ऊपर तुम इस तरीके से जो है ना यहाँ पर प्रमोट कर रहे हो अपने चैनल को, ऐसे वाले चैनल को, कुछ क्या बोलूं मैं, मुझे इतना बेकार बेकार मेरे मुंह से गालियां निकल जाएंगी ये इंसान के लिए। और मैं अपनी ऑडियंस के साथ सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर इसका नेक्स्ट टाइम आए तो आप लोग प्लीज इस चैनल को रिपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रिपोर्ट करती हूँ, मेरी सिस्टर्स भी जो है ना ऑलरेडी रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं है ऐसा। ये क्या है ये अंजलि का, और फिर बाद में उर्फी का टाइटल भी क्या दे रखा है उसने, शर्म आ रही कि जरा भी तुम्हें, हाँ तुम्हारी बहने बहने, तुम्हारी लड़कियां लड़कियां, तुम्हारा परिवार परिवार, दूसरों का नहीं है, दूसरों का कुछ नहीं है, दूसरों की इज्जत नहीं है। वो अगर उर्फी जावेद अगर उल्टे सीधे कपड़े पहनते वो उसका लुकआउट उसको है, बाकी के रोस्टर्स जो है ना उसको रोस्ट करते हैं, वो उसको वो बराबर जवाब भी देती है जो कुछ करती है। मैं यहाँ पर कोई उर्फी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पर क्या प्रमोट कर रहे हो। अगर तुम्हें अपना चैनल ही ग्रो करना है इसी तरीके से करना है तो तुम अपने दम पर करो, ना कि तुम जो है दूसरों के चैनल पे आकर उनके कमेंट बॉक्स में आकर जो है ना लिंक इस तरीके से शेयर करो। अगर इतना ही तुम्हें जल्दी ग्रो करने का शौक है ना तो कुछ और तरीके यूज करो, ठीक है। दिमाग खराब हो गया मेरा। अब ये वाली चीज मैं मेरी सिस्टर के साथ में नहीं बना सकती थी। दैट्स इट,
मैं इतना इतना गुस्सा आया हुआ ना, मेरे को गूज बम्स आकर ऐसे ना शिवर हो रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ये इंसान के साथ में। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये करना ये सही है। मेरा सारा का सारा ना मूड खराब हो गया जब से मैंने देखा। मैंने फर्स्ट टाइम में भी अवॉइड किया, अभी सेकंड टाइम में इसका हो गया। ये इंसान का नाम भी ऐसे लिखा हुआ है, मिस्टर सल्लू। मिस्टर सल्लू मतलब तुम सलमान खान बन गए क्या? हाँ कमाल है भाई। वेल दैट्स इट गाइज, यही था मुझे जो आप लोगों के साथ में बातें करनी थी। और मुझे नेक्स्ट टाइम में बस यही, अगर ऐसा कुछ आता है आप लोगों को दिखता है तो प्लीज उसको रिपोर्ट करना, इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ। और कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ मैं ऐसे लोगों को, तो चुल्लू जो होती है ना, चुल्लू भर पानी के अंदर डूबना चाहिए। जाकर ना थोड़ी अक्कल नू हाथ मार तू अपने, की करता पै की नहीं करता पै। चलो कंट्रोल कंट्रोल। होपफुली गाइज कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहती हूँ और मुझे क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आया है और क्यों मुझे बुरा लगा है। एंड वीडियो खत्म करती हूँ। जैसे हमेशा सपोर्ट किया है तो प्लीज इस बार भी जरूर सपोर्ट करना। और मुझे बताइए कि ऐसे लोगों करूँ क्या। मैं कमेंट बॉक्स तो अपना ऑफ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, जिसकी वजह से मुझे इन लोगों को जो है ना ज्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टेड पर्सन्स थे जो बार 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 आकर जो है ना बक बक कर रहे थे, ठीक है। एंड लाइक वगैरह तो मैं क्या ही बोलूँ बस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू। टाटा बाय बाय।